क्योंकि उनको ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी नाम की बीमारी हो गई थी। उनके पिता ने भी ये माना था कि मेरा बेटा बहुत बड़ा फेलियर है। छोटी सी उम्र में ही इनके साथ कई सारे रेप्स हुए। हेलो दोस्तों, आपके साथ भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपने अपने सपनों का जिक्र किसी से किया होगा, उसने आपका मजाक उड़ाया होगा। आप कई बार जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं और वहां से आपको रिजेक्शन मिलता है। इस साल जॉब करने के बाद भी आपको निकाल दिया गया हो, या बहुत समय से किसी चीज पे मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफल नहीं हो पा रहे, तो आपको निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप अकेले नहीं है जो अब तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। आपसे पहले भी बहुत से लोग थे जो सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, लेकिन आज बहुत बड़े इंस्पिरेशन है। आप नहीं जानते कि कौन सा वक्त आपके लिए सफलता ले आए, जैसा इन लोगों के साथ हुआ था। आज मैं आपको 5 ऐसे लोगों की कहानी बताने वाला हूं जो स्टार्टिंग में तो बहुत बड़े फेलियर थे, लेकिन आज बहुत बड़े सक्सेसफुल इंसान है। इस वीडियो को अंत तक देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, माइकल जॉर्डन। अपने हाई स्कूल की टीम से निकाल दिए जाने के बाद रूम में अपने आप को बंद करके घंटों तक रोते रहे थे, लेकिन आज उनको दुनिया का एक बहुत बड़ा प्लेयर माना जाता है बास्केटबॉल में। उन्होंने कहा था, मैंने अपनी लाइफ में 9000 शॉट्स मिस किए हैं, 300 गेम्स हारा हूँ, 26 बार मुझ पे लोगों ने ट्रस्ट करके मुझे विनिंग शॉट के लिए भेजा है, लेकिन मैंने वो मिस कर दिया। जिंदगी में मैं बार बार फेल हुआ हूँ और इन्हीं फेलियर्स की वजह से आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ। दूसरा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन 4 साल की उम्र तक कुछ बोल ही नहीं पाते थे, कुछ याद नहीं रख पाते थे। उनके टीचर ने यहाँ तक बोल दिया था कि ये लड़का अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर सकता। उनके पिता ने भी ये माना था कि मेरा बेटा बहुत बड़ा फेलियर है, लेकिन आज आइंस्टाइन को दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट माना जाता है। यहाँ तक माना जाता है कि उनकी मौत के बाद उनका दिमाग चोरी हो गया था। आइंस्टाइन ने कहा था कि हर एक इंसान में एक जीनियस है, लेकिन अगर आप एक मछली को पेड़ पे चढ़ने की स्किल से जज करोगे तो वो हमेशा यही सोचती रहेगी कि वो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। तीसरा, ओपरा विनफ्रे। इनका बचपन बहुत ही खराब था। छोटी सी उम्र में इनके साथ कई सारे रेप्स हुए, इस वजह से ये छोटी सी उम्र में प्रेग्नेंट हो गई और उसके बाद मिसकैरेज। करियर के स्टार्ट में भी इनके एडिटर ने इनको कहा था कि तुम न्यूज एंकर के लिए सुटेबल नहीं हो, लेकिन ये आज अमेरिका की सबसे फेमस टॉक शो की एंकर है, जो कि 25 सालों से चल रहा है, और इनकी गिनती दुनिया के 500 अमीर लोगों में भी किया जाता है। ओपरा का मानना है कि आप वही बनते हैं जो आप बिलीव करते हैं, और आप आज जहाँ हैं वो भी अपने बिलीव्स की वजह से ही हैं। चौथा, वॉल्ट डिज्नी। इनको इनके एडिटर ने ये कह के जॉब से निकाल दिया था कि तुम्हें क्रिएटिविटी नहीं है, लेकिन हम सब जानते हैं कि मिकी माउस की क्रिएशन इनके बिना पॉसिबल ही नहीं थी। वॉल्ट डिज्नी ने कहा था, आप अपने सभी सपने पूरे कर सकते हैं अगर आप में उसको पूरा करने की चाहत है तो। पांचवा, लियोनेल मेसी। हम आज मेसी को बहुत अच्छे से जानते हैं, वो दुनिया के बहुत बड़े फुटबॉल प्लेयर हैं, लेकिन वो बचपन में बहुत गरीब थे। 11 साल की उम्र में उनको उनकी टीम से निकाल दिया गया था क्योंकि उनको ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी नाम की बीमारी हो गई थी। इस बीमारी में पेशेंट की ग्रोथ रुक जाती है और इसी वजह से मैसी अपनी टीम में सबसे छोटे कद के थे, लेकिन मैसी ने कभी भी इस बात को अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। आज जब वो फुटबॉल ग्राउंड पे होते हैं तो देखने वालों की नजर इधर से उधर नहीं होती। मैसी कहते हैं, आप किसी चीज को तभी पा सकते हो जब आप उसको पूरी शिद्दत से पाना चाहते हो। तो ये थे वो 5 लोग जो पहले तो बहुत बड़े फेलियर थे लेकिन आज बहुत सक्सेसफुल हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करके सबके साथ शेयर कीजिए, और अगर इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय बाय। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड।